आरएसएस के लोगों को भी ये हुआ है कि भाई ये संविधान में ये सब कुछ है, इसीलिए हम संविधान ही बदल डालेंगे। अरे ये भागवत ने कहा, बैठो भाई, मैं बोलता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर को चेयरमैन बनाकर ये संविधान दिया है, इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं। इनके रिजर्वेशन को कैसे खत्म करना, प्राइवेटाइज करो, रेलवे प्राइवेटाइज करो, एयरलाइंस प्राइवेटाइज करो। कत्ल होने से आखिरी कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। शेड्यूल कास्ट के लोग दिस दृष्टि से आज इस देश में जी रहे हैं, उसके लिए मैं एक अपना एक शायरी पेश करके मैं अपने भाषण को शुरू करता हूँ। जज्बा है शोक शहादत को क्या कीजिए, जज्बा है शोक शहादत को क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में ये सर ले लिया। कत्ल होने से आखिरी कब तक डरे, कत्ल होने से आखिरी कब तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब तो हमारी हालत ये है, हर जगह ये लोगों का कातिल होता है, खून होता है, उनके बारे में कभी आपने इस हाउस में रोया नहीं, लेकिन जब जब आपको चाहिए तब आप रोना भी सीखे हैं, हंसना भी सीखे हैं, दूसरों का मजाक उड़ाना भी सीखे हैं। हम शेड्यूल कास्ट को कुछ देना है या शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में लाना भी है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट बना खासकर अछूतों के लिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ा, ये सिर्फ संविधान आने के बाद ही नहीं हुआ रिजर्वेशन का, इससे पहले बाबा साहब अंबेडकर 1919 में जो साउथ बर्ग कमिटी थी उसके सामने उन्होंने अछूतों के बारे में और उनके हकूक के लिए उन्होंने लड़ा। उसके बाद में 1929 में साइमन कमीशन के सामने भी उन्होंने ये बात रखी। ये हमारे आरएसएस के लोगों को भी ये हुआ है कि भाई ये संविधान में ये सब कुछ है, इसीलिए हम संविधान ही बदल डालेंगे। उनकी अरे ये भागवत ने कहा, बैठो भाई, मैं बोलता हूँ तारीख के साथ, कब बोले कहाँ बोले ये बोलता, प्लीज मोहन भागवत जी प्लीज। और आज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि इनके रिजर्वेशन को कैसे खत्म करना, प्राइवेटाइज करो, रेलवे प्राइवेटाइज करो, एयरलाइंस प्राइवेटाइज करो। पूरा हो गया माननीय लोपी वैसे। पार्डन सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन चंद आंकड़े देता हूँ क्योंकि उधर के नेता लोगों को भी ये मालूम होने दो, खास करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने वैकेंसीज हैं। मैं ये नहीं जाता रेलवे में कितने हैं, डिफेंस में कितने हैं, पोस्ट में कितने हैं, एटॉमिक एनर्जी में, फाइनेंशियल सर्विस में, रेवेन्यू में। आज हर इलाके में 50% से ज्यादा वैकेंसीज शेड्यूल कास्ट में। और अब एक ही उदाहरण हमारे गोयल साहब गए शायद, रेलवेज में टोटल वैकेंसीज 9,767 एससीज के लिए है, और अब अनफील्ड कितने हैं, 5,559, यानी 56% वैकेंसीज। डिफेंस में 1,649 में 1,413
85% वैकेंसीज है। पोस्ट में 1379 में 393 28% है। एटॉमिक एनर्जी में 72% है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 14 में क्या थी आप बात कीजिए, वहां बैठे हैं प्लीज। ठीक है, मैं मानता हूं कोई अगर गवर्नमेंट माननीय एलओपी आप नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं करना। प्लीज एलओपी आप एड्रेस करें प्लीज। और रेवेन्यू में, और इसके बाद सर आपको और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी 2251 पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज 1084 48%। एसटी से एसटी 1117 उसमें 604 वैकेंट 54% वैकेंसीज है। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 2991 उसमें 1684 56% वैकेंसीज है। और ये सब वैकेंसीज क्यों हैं कि भर्ती नहीं करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अश्योर्ड जॉब। नहीं नहीं प्लीज नो नॉट अलाउड प्लीज लेट हिम कंटिन्यू शेड्यूल कास्ट प्लीज आप समझ जो नॉट अलाउड जॉब नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज आप अपनी बात करें प्लीज। शेड्यूल कास्ट को जो अश्योर्ड जॉब मिलते हैं उस अश्योर्ड जॉब को खत्म करने की एक साजिश चल रही है। तो इस साजिश मेन इसके पीछे यही है कि ये लोगों को कोई अश्योर्ड जॉब न मिले और फाइनेंशियली वीक रहे और फिर अपने पीछे जैसे गुलामगिरी में थे वैसा रहे, ये उनके मंशा है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और आखिरी यही बात कहो के मैं अपने शब्द को खत्म करूंगा। एक, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव, ये बाबा साहब अंबेडकर ने बोला है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव this life of contradictions, how long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. ये बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जिस वक्त संविधान पेश कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भाषण दिए थे। थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू प्लीज, वो कैसा हरवाया मेरे से आर्गुमेंट करो मैं बोलता हूँ। थैंक यू प्लीज आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें प्लीज प्लीज। कोई अध्यक्ष महोदय मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसी बात करते हैं जो लोग उस मोमेंट में भी नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू यहाँ पर जो ठहरा करने की बात आई तो हम लोग 8-8 दिन जेल गए, तुम लोग कहाँ थे उस वक्त प्लीज। और बात करते हैं अंबेडकर के बारे में, आप अपनी बात कंक्लूड करें, ऑलरेडी आप 10 मिनट अधिक बोल रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने सब मिलके बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन बनाकर ये संविधान दिया है। इसको नष्ट करने वाले आप लोग हैं, इसको तंग करने वाले आप लोग हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं। और आज डेमोक्रेसी के जगह ऑटोक्रेसी ला रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहूंगा इसके साथ ही ये सब वैकेंसी फिलअप करने की आप कोशिश कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।